हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी जब उन्होंने कसमें खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे और इंशाल्लाह ना कहा। सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। फिर जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। सो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज वहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे गोया पैदावार पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान, कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए, नहीं बल्कि हम बेनसीब हो गए। एक जो उनमें समझदार था बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? दूसरे कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुक करके मलामत करने, कहने लगे हाय शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे। उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे, हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा, काश ये लोग जानते होते।